हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपके सामने लाया हूँ मेसी 1035 2003 मॉडल। इसका क्या है, क्लास में पूरी तरीके से काम नहीं कर रहा, आप देख सकते हैं। ये गाड़ी धक्का प्लेट है, इसके कारण मैं स्टार्ट करके रखा हूँ। अब देखिए इसका क्लच जो है लगाने से गाड़ी डायरेक्ट हो रहा है, ऑटोमेटिक भागना चालू कर दे रहा है, क्लच में रुक नहीं रहा है। इसके क्या हुआ है, हम दो टुकड़ा करेंगे, करने के बाद आपको दिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप इसके किसके कारण इसका जो क्लच है काम नहीं कर रहा है। अब देख सकते हैं, अभी गाड़ी को हम बंद करेंगे, बंद करने के बाद गाड़ी खोलेंगे, खोलने के बाद आपको स्टेप बाई स्टेप दिखाएंगे किस तरीके से इसके जो प्रेशर प्लेट है उसमें काम करना बंद कर दिया है। अभी गाड़ी को हम खोलेंगे, खोलने के पहले जो टायर रॉड है इसको खोलना पड़ेगा। आप देख रहे हैं इसका जो चेसिस है इसको भी निकालना पड़ेगा। जो पाइप है पाइप को भी निकालेंगे गाड़ी को अलग करते टाइम। इसका बैटरी मैंने उतार लिए हैं। जॉइंट का जो बोल्ट है पूरा निकाल लेंगे। जो आई पैप है इसको भी खोल लेंगे। खोल लेंगे सेल भी, नहीं खोलने से क्या है जॉइंट अलग ही होगा, सेल के साथ सेटिंग हुआ है जॉइंट। देख सकते हैं इसका सेल, मैंने खोल लिया सेल को। अभी बॉडी का पूरा बोल्ट खोल देंगे, ये जो होस पाइप है इसको भी खोल देंगे, उसके बाद आपको दिखाएंगे गाड़ी अलग करते टाइम आपको दिखाएंगे वीडियो किस तरीके से हम अलग करते हैं। देख सकते हैं, हालांकि मैंने गाड़ी को पूरा खोल लिए हैं, अभी देख सकते हैं हल्का अलग हो चुका है दोनों साइड से। अभी दो आदमी की मदद से और बम्बू की मदद से हम गाड़ी को बाहर ले लेंगे। देख सकते हैं गाड़ी अलग हो रहा है, देख सकते हैं गाड़ी को मैंने अलग कर लिए हैं। इसका जो अब देख सकते हैं फिंगर है, तीन फिंगर, ये फिंगर पूरी तरीके से डाउन हो चुका है, दो एक सही है। ये फिंगर को, ये जो बोल्ट है आप देख सकते हैं, बोल्ट को कसने से फिंगर को एडजस्ट करने से क्लच ठीक हो जाएगा। ये देख सकते हैं इसका क्लच प्लेट पूरी तरीके से अच्छा है। अभी इसको क्लच एडजस्ट कर देंगे, गाड़ी ठीक हो जाएगा, नया सामान डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं दोस्तों, इसका जो फिंगर है पूरी तरीके से डाउन है। इसको क्या है, हम ये जो एक 13 नंबर का बोल्ट है, ये बोल्ट से हम एडजस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं किस तरीके से हम एडजस्ट करते हैं। ये जो साइड में है, साइड में रख के इसको एकदम बराबर सेटिंग करना है। आप देख सकते हैं इसको हिलना चाहिए, देख सकते हैं इस तरीके से सेट कर दोगे तो फिंगर एडजस्ट हो जाएगा। तीनों को इस तरीके से हम सेट करेंगे। देख सकते हैं ये भी सेट कर लिए हैं, ये भी सेट कर लिए, बचा एक है इसको भी सेट कर लेंगे।
देंगे हाइट से तो ये नट ढीला नहीं होगा। पेचकस की मदद से हम इसको ठोक देंगे, पंच मार देंगे। अभी गाड़ी को हम फिट कर देंगे, फिट करके आपको चला के दिखाएंगे किस तरीके से क्लच में काम करता है इसका। आप देख सकते हैं इसका रिलीज बेयरिंग, रिलीज बेयरिंग भी पूरी तरीके से सही है। अभी गाड़ी को जोड़ेंगे इंजन को गियरबॉक्स के साथ। देख सकते हैं हालांकि मैंने पूरा सेट कर लिया है गाड़ी को फिंगर को, अभी इसको गाड़ी को जोड़ेंगे गियरबॉक्स के साथ, जोड़ के आपको फिटिंग करके चला के दिखाएंगे किस तरीके से क्लच में काम करता है और किस तरीके से गाड़ी चलता है। ये देख सकते हैं मालिक, देख सकते हैं गाड़ी को हम सेट कर लिए हैं। अभी ये जो बोल्ट है, बोल्ट को कस रहे हैं इन लोग, देख सकते हैं मेरे हेल्पर लोग हैं सब। ये आइएगा, देख सकते हैं ये जो इसका हम कैंची बोलते हैं कैंची, ये देख सकते हैं कैंची, इसको भी सेट कर लेंगे। अभी जितना भी पाइपलाइन है पाइपलाइन सेट करके आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाते हैं। देख सकते हैं गाड़ी मैंने पूरा जोड़ के कंप्लीट कर लिए हैं। अभी इसको धक्का मार के स्टार्ट करेंगे। इसका जो बैटरी है आप देख सकते हैं बैटरी खराब हो चुका है। अभी धक्का मार के स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं इस तरीके से क्लच सही हो गया है इसका। देख सकते हैं अभी कितना आसानी से इसका गियर जो है लग रहा है अभी है। लो देख सकते हैं अभी गाड़ी ठीक हो चुका है। अगर ऐसे हो जाएगा तो आप खोल के रिपेयर कर सकते हो। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत पुराना गाड़ी है, 2003 का मॉडल है, आप देख सकते हैं बहुत पुराना है गाड़ी।